आज मैं आप सबके सामने एक बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि है हिमालय का बेबी मसाज ऑयल। आज का जो रिव्यू है वो मैं रिव्यू के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इस ऑयल को लेकर, क्योंकि ये ऑयल जो है मैं अपने बच्चे को फर्स्ट मंथ से लगा रही हूँ और अभी मेरा बेबी 16 मंथ का है तो उसे मैं अभी भी लगाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू बनाती हूँ और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो चलिए इसके सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कितने ml का है। तो फ्रेंड्स, ये 500 ml का है और ये 500 ml में ही पंप वाला आता है और इसकी MRP है 345 rupees। क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन लिया था तो मुझे ये काफ़ी सस्ता पड़ा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमालय काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और हिमालय बेबी प्रोडक्ट भी बनाता है और हिमालय ब्रांड पे बहुत सारी माओं का भरोसा भी है, जिसमें से एक माँ मैं भी हूँ। मुझे भी हिमालय के प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि ये हर्बल होता है और इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं और ये केमिकल फ्री भी होता है और ये क्लिनिकली टेस्टेड रहता है। तो हम बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि ये हमारे बच्चे की स्किन में बिल्कुल भी किसी तरह का साइड इफेक्ट या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ये बिल्कुल प्योर है, जेंटल है, सेफ है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्योर इन द सेंस कि इसमें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जैसे कि इसमें ऑलिव ऑयल है, विंटर चेरी है और एलोवेरा है। तो फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, खासकर मालिश वाले तेल में। फ्रेंड्स, इससे हमारे बच्चे के स्किन को और बोन्स को बहुत ही ज्यादा नरिशमेंट मिलता है, जिससे कि हमारा बेबी का जो फिजिकली ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से होता है। विंटर चेरी, फ्रेंड्स, विंटर चेरी से क्या होता है कि जो बच्चे का जो स्किन टोन है वो एक लेवल इम्प्रूव भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इट इम्प्रूव्स स्किन टोन एंड प्रोवाइड एसेंशियल नरिशमेंट। इस ऑयल के रेगुलर मालिश से बच्चों का स्किन टोन जो होता है, जो शरीर का जो रंग होता है वो भी इम्प्रूव होता है। और इसमें एलोवेरा है और एलोवेरा से क्या होता है कि हमारे बच्चे के स्किन में जो मॉइस्चराइजर है उसकी कमी नहीं होती, जिससे कि हमारे बच्चों का स्किन ड्राई नहीं होता है, इचीनेस उसमें नहीं आती है, उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहता है। तो इन सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के कारण ये बिल्कुल प्योर है, जेंटल इन द सेंस कि हमारे बच्चे के शरीर में ये बिल्कुल जेंटल है, बिल्कुल सौम्य है। किसी भी तरह का इसमें कोई साइड इफेक्ट या फिर किसी भी तरह के एलर्जी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये सेफ है। सेफ इन द सेंस इसमें किसी भी तरह का मिनरल ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ तेल है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके पीछे में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या क्या बताया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इसके कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अश्वगंधा है, एलोवेरा है जो कि घृतकुमारी बोलते हैं, जैतून का तेल है और भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है जो कि सारे नेचुरल है। ऑल इन ऑल मैं बोल सकती हूँ कि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, कि ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक तेल है क्योंकि इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, तो इसे आप एक आयुर्वेदिक तेल भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल यूज के लिए है सिर्फ, इसे आप ओरल कंजम्पशन ना करें, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। इसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखें और किसी सूखे स्थान पर रखें, डायरेक्ट सनलाइट के पास ना रखें। तो फ्रेंड्स, मुझे पंप वाला बॉटल इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम होता है और इससे आप डायरेक्ट भी तेल लगा सकते हैं बच्चों को इस तरह से प्रेस करके, और इसमें ये लॉक सिस्टम होता है, जैसे कि ये अभी इस तरह से आपने एक बार घुमा दिया तो ये ऑन हो गया, ये देखिए ये ऑयल निकल रहा है, और अगर आप इस तरह से लॉक कर दे रहे हो तो यहाँ पे ऑयल नहीं निकल रहा है, ये मैं प्रेस कर रही हूँ, तो ये पंप वाले का ये फायदा होता है। इस तेल को मालिश करने का तरीका ये है, आप इस तेल को अपने बच्चे के पूरे शरीर में लगाएं और उसे आप कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से मालिश दें। मालिश से बच्चों के शरीर में बहुत ही अच्छा ब्लड फ्लो होने लगता है, जिससे कि बच्चा काफी एक्टिव होता है, उसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है, उसके मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं और उनका ब्रेन काफी ज्यादा खुलता है। ये जो ब्लड फ्लो जो होता है ये बच्चों के शरीर को बहुत ज्यादा एक्टिव और चुस्ती फुर्ती बनाता है। इस तेल की मालिश मैं अपने बच्चे के सर में भी देती हूँ, इससे क्या होता है कि बच्चा शांत और बहुत ही अच्छा फील करता है और उसे नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। बच्चे को नहाने से पहले आप इस तेल का जरूर मालिश दें। इस तेल की मालिश के थोड़ी देर बाद आप बच्चे को नहलाएं हल्के गर्म पानी से, बच्चा बहुत ही अच्छा फील करता है और उसे बहुत ही अच्छा नींद भी आता है और पूरे दिन वो काफी एक्टिव भी रहता है। तेल की मालिश हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, कम से कम 15 मिनट तो जरूर दें। इससे क्या होता है, बच्चा बहुत ही रिलैक्स फील करता है, बहुत ही शांत फील करता है और बच्चा पूरे दिन हंसता खेलता रहता है।
इससे बच्चों का हड्डी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और बच्चा बिल्कुल सही समय पे चलने उठने दौड़ने लगता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, ये बेबी मसाज ऑयल हम किस सीजन में इस्तेमाल करें, यानी कि ठंडे के सीजन में इस्तेमाल करें या फिर गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे किसी पर्टिकुलर सीजन में ही इस्तेमाल करें, आप इसे ठंडे और गर्म दोनों सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आप चाहती हैं कि मैं किसी एक सीजन का नाम लूं या फिर एक मौसम का नाम लूं, तो वो है गर्मी का मौसम। जी हाँ दोस्तों, ये गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाज ऑयल है, क्योंकि इस ऑयल की टेक्सचर काफी लाइट होती है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती है और बच्चों के शरीर में बिल्कुल अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती है और बच्चों के शरीर में एक भीनी भीनी खुशबू छोड़ जाती है जो कि पूरे दिन रहती है और बच्चों के आसपास जो भी रहते हैं उसे भी ये खुशबू बहुत ही पसंद आती है। इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, ऐसा नहीं इसके मालिश के बाद बच्चे इरिटेट हो या फिर चिपचिपाहट उसे लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगी कि आप गर्मी के मौसम में ही इसका इस्तेमाल करें, आप ठंडे के मौसम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिला हुआ है जो कि ठंडे के मौसम में इस्तेमाल ना हो पाए। चूंकि इसका टेक्सचर लाइट होता है, इस कारण से इसे गर्मी के लिए ज्यादा बेस्ट माना जाता है। इसे आप बच्चों को बहुत ही आराम से लगा सकते हैं और बच्चे भी बहुत ही आराम से इसे लगवा लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑयल हमारे बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा तेल है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिव्यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। मैं और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज लेकर आगे आऊंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।